देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जहां वर्ड कंजर्वेशन आ जाए इसका मतलब कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन, दो पॉइंट्स की एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड तो नेट लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की एल इज कांस्टेंट, जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट करेगा तो वहां पर एल क्या रहेगा, कांस्टेंट, आज हमने डिस्कस किया। अब एंगुलर मोमेंटम रूल नंबर वन, किसी भी पॉइंट मास का, इंपॉर्टेंट है, कोई शेप नहीं ले रहा हूं मैं, रिंग डिस्क स्क्वायर ले रहा, एक पॉइंट मास है एम और वो एक्सिस से आर दूरी पे गोल गोल घूम रहे है, और क्वेश्चन है इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालो क्या है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है वी, पॉइंट मास का आई क्या होगा एम आर स्क्वायर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी क्या होगी आर ओमेगा, तो पॉइंट मास का एल क्या होगा आई ओमेगा, पॉइंट मास का आई क्या होगा एम आर स्क्वायर और ओमेगा क्या है इसमें वी बाय आर, तो यहां से आर कैंसल, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर। लेकिन ये फॉर्मूला एम वी आर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, पॉइंट मास के लिए, वो क्यों, क्योंकि पॉइंट मास का आई क्या है एम आर स्क्वायर, तो भी आंसर आएगा। अगर ये फिगर स्फेयर होती तो स्फेयर में आई की जगह क्या पुट करते, 2/5 एम आर स्क्वायर, तो आंसर एम वी आर ना आता, 2/5 फ्रैक्शन भी आ जाती यहाँ पे। तो पॉइंट मास के लिए खास है ये, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल है, फॉर्मूला बुकलेट में इसको नोट करो, फॉर अ पॉइंट मास एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। आई ओमेगा तो लगा ही सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कोई, पर एम वी आर भी लगा सकते हो। आप सोचेंगे आई ओमेगा क्यों नहीं लगाए, आई ओमेगा याद कर लो, फर्क क्या पड़ रहा है, एम वी आर की क्या खास बात है, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का बहुत जगह यूज होता है, जैसे सन के मुकाबले अर्थ इज अ पॉइंट मास, तो अर्थ जब घूमेगी तो एम वी आर, एक न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम उसका एम वी आर, केमिस्ट्री में पढ़ते हो एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई, बोहर की थ्योरी, एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई, आपको केमिस्ट्री के टीचर होना बताया एम वी आर कहाँ से आया, उसने कहा जी एंगुलर मोमेंटम होता है ये फॉर्मूला है एन एच बाई टू पाई, वहां से वी निकाल लेना, वहां से आर निकाल लेना, आज पता लगा वो एम वी आर आया कहाँ से, तो एम वी आर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मास है। पर अगर पॉइंट मास नहीं है, डिस्क है, स्फेयर है, रिंग है, कुछ भी है, तो फिर ये फॉर्मूला चलेगा नहीं, फिर यही लगाना पड़ेगा आई ओमेगा, जो भी फिगर है उसका आई पुट कर लेना, 2/5 एम आर स्क्वायर, जो भी आंसर आ जाएगा, पर पॉइंट मास के लिए एम वी आर सही है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दो तीन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहली एप्लीकेशन है कि अगर मान लो सन यहाँ पर है, अर्थ एक पॉइंट मास ट्रीट की जाए, सन के सामने अर्थ को पॉइंट मास ले लिया, स्फेयर मत लें, सन के सामने अर्थ एक पॉइंट मास, एक पॉइंट घूम रहा है इलिप्स में, तो मान लो ये सन से सबसे ज़्यादा दूरी है आर वन और सबसे कम दूरी है आर टू, जब अर्थ यहाँ पे होगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी वी वन, और जब यहाँ पर होगी तो क्या होगी वी टू। अब कोई भी प्लैनेट अगर सन के आसपास घूमेगा तो मैंने क्या लिखवाया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का क्या होता है एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर इज अ कांस्टेंट, अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, तो एम कांस्टेंट से डिवाइड होके कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो वी इनटू आर इज अ कांस्टेंट। तो सोचो दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जब रेडियस आर बढ़ेगा अर्थ का, दूरी बढ़ेगी तो वी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और अगर दूरी कम होगी तो v क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर दूरी बढ़ेगी तो v कम हो जाएगा, अर्थ जब दूर होगी स्लो मूव करेगी, दूरी बढ़ गई v कम हो गया, जब अर्थ की दूरी कम हो गई तो स्पीड उसकी v बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है स्पीड क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि r चेंज हो रहा है, r बढ़ा रहे हो v स्लो हो जाएगा, r कम कर रहे हो v बढ़ जाएगा। कोई पॉइंट इस डाउट इसमें, ये समझ में आ रहा है यहां तक कि सन के आसपास जब अर्थ घूमेगी तो स्पीड कम ज्यादा क्यों होती है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल आज हम ट्राई करेंगे। तो जब भी अर्थ सन के आसपास घूमेगी तो एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट लगेगा, क्लियर है। जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा तो भी एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट लगता है, वो अलग बात है कि वो रेडियस उसके इलेक्ट्रॉन के ना बराबर ही होते हैं, इलिप्स तो होते नहीं है, सर्कल होते हैं, तो इसलिए एल सेम रहता है उसका एन एच बाई टू पाई। पर जब शेल चेंज होता है एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू टू, तो रेडियस चेंज हो जाता है, तो फिर वहां से वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, अलग अलग शेल में अलग अलग वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो चलो हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, पर समझ में आ रहा है यहाँ तक।
अगला क्वेश्चन आएगा कि मान लो अर्थ घूम रही थी अपने एक्सिस पे, तो अर्थ अगर अपने एक्सिस पे घूम रही है तो कोई कहता अर्थ को पॉइंट मास ले लें। भाई पॉइंट मास कैसे ले लेगा, एक्सिस के ऊपर पॉइंट रखेगा तो आई क्या आएगा, जीरो। अब अर्थ को क्या लेना है, एक स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। लेकिन सन के सामने अगर अर्थ घूमेगी तो पॉइंट मास, पर अर्थ अगर एब्सोल्यूट लोगे घूमती हुई तो अर्थ बहुत बड़ी है तो स्फेयर। तो अर्थ घूम रही है और रेडियस अर्थ का क्या है, आर। घूमती घूमती पता नहीं क्या हो गया यार, अर्थ सुबह देखा श्रिंक हो गई, छोटी नहीं हो गई, इतनी सी हो गई, ये ना पूछो कैसी हुई, हो गई। मैंने तो जाके की नहीं, मैंने तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया नहीं, तो अभी भी अर्थ का एल क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब मैंने कुछ किया ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया ही नहीं, तो एल कॉन्स्टेंट है। हाँ, उसका रेडियस देखा तो कितना हुआ, आर बाई एन, मास नहीं चेंज हुआ, डेंसिटी बढ़ गई इसका मतलब। तो बताओ नया टाइम पीरियड अर्थ का क्या होगा, जब अर्थ बड़ी थी तो एक चक्कर स्पिन मोशन में कितनी देर में काटती थी, 24 आवर्स में। अब टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ अगर इतनी सी होगी बॉल जितनी, ये तो 1.5 घंटे का टाइम पीरियड हो जाएगा, 1 घंटे का, ये लो दिन और रात हो गई, इतनी सी बॉल आएगी, लो घुमा दिया, दिन रात हो गया, ऑब्वियसली टाइम पीरियड काफी छोटा हो जाएगा अर्थ का, तो कितना होगा ये बताओ। तो अब इस केस में क्या होगा, अर्थ का रेडियस पहले आर था तो ओमेगा वन था, घूमने की वेलोसिटी ओमेगा वन थी, और जब अर्थ छोटी होगी, आर बाय टू नहीं है वो, आर बाय एन है, आर बाय टू की जगह आर बाय एन करो, आर बाय एन हो गया, तो घूमने की वेलोसिटी ओमेगा टू होगी, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क हमने अप्लाई नहीं किया तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले एंगुलर मोमेंटम कितने आई वन ओमेगा वन, और बाद में कितने आई टू ओमेगा टू, तो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ अर्थ पहले आई वन की वैल्यू कितनी थी, अर्थ की 2/5 mr², और ओमेगा क्या था, 2π/ टाइम पीरियड, सर्कुलर मोशन में किया तो ओमेगा क्या था, 2π/T, और अर्थ जो घूम रही थी तो उसका टाइम पीरियड क्या था, 24 आवर्स। अब अर्थ का आई क्या होगा, 2/5 mr² क्योंकि रेडियस आर की जगह क्या हो गया, r/n², और ओमेगा क्या हो गया, 2π/T2, हमने T2 निकालना है। यहाँ से सॉल्व करो, 2/5 कैंसल, m कैंसल, r² कैंसल, 2π कैंसल, T2 आ गया, 24/n² इज़ द आंसर। तो नया टाइम पीरियड इसके इक्वल होगा, अर्थ घूम रही थी बड़ी थी, घूमते घूमते छोटी हो गई, श्रिंक हो गई, तो पहले जब घूम रही थी आई वन ओमेगा वन, अब घूम रही आई टू ओमेगा टू, क्योंकि छोटा होने का मतलब आई कम हो गया, तो घूमने की स्पीड बढ़ गई, बड़ी अर्थ है ओमेगा जो है अलग होगा, छोटी होगी ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आई जब कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ये शो कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये इस पर क्रॉस कर दो, इसकी कैलकुलेशन गलत है, इसकी जगह इसका सोल्यूशन ये लिखना। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि सपोज आपके पास एक रॉड है, ठीक, मान लो एक रॉड है, थिन रॉड है, और रॉड अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये इसका एक्सिस है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, और यहाँ पर दो बीड्स हैं, दो मोती हैं, यहाँ पे एम और एम, पॉइंट मास है एम और एम, रॉड का मास बड़ा एम है और लेंथ बड़ी एल है, और ये घूम रही है विद ओमेगा वन, ओमेगा वन, ठीक। रॉड घूमती है, घूमती घूमती रॉड को ये बीड्स, घूमती घूमती क्या हुआ, ये जो बीड्स हैं ये ना कोने पे चले गए, पॉइंट मास कोने पे चले गए, मैंने देखा थोड़ी देर में ये सिचुएशन थी। तो आपको ये बताना है कि अब जो रॉड घूम रही है विद ओमेगा टू घूम रही है, ओमेगा टू की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली एल बाई टू है, और ये डिस्टेंस भी एल बाई टू है। देखो रॉड घूम रही है, घूमते घूमते हम जब रॉड को हमने घुमा के छोड़ दिया, अब हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे, तो एंगुलर मोमेंटम घूमती हुई अपने आप घूमती हुई रॉड का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था रॉड का, आई वन ओमेगा वन, अब कितना हो गया जब बीट्स कॉर्नर पे चले गए, आई टू ओमेगा टू, तो रूल क्या लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू। जब पहली सिचुएशन थी तो आई वन क्या था, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा वन, और ये बताओ इन बीट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले या ना ले, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सिस पे पड़े हुए हैं, जब एक्सिस पे पड़े हुए हैं पॉइंट मास हैं बीट्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो, ठीक है, एक्सिस पे तो कौन, तो रॉड का ही काउंट होगा सिर्फ। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, बीट्स कॉर्नर पे चले गए,
तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लेना ही लेना है, अब बीट्स का भी ऐड करना पड़ेगा, छोटा एम एल बाय टू का होल स्क्वायर, और दो बीट्स हैं तो यहाँ से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू। तो पहले केस में बीट का आई नहीं लेना, दूसरे केस में बीट का आई लेना है, और आई बढ़ गया, सेकेंड केस में आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो जितना बड़ा आई होगा ओमेगा उतना ही छोटा होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पहले बीट्स का आई नहीं लेना, फिर बीट्स का आई लेना है, कोई डाउट है इसमें? तो बीट वाला क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये रूल क्लियर है आपको? अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आएगी, वो आपको क्वेश्चन में ये देगा, आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट इनर्शिया आई वन है और वो रोटेट कर रही थी भी तो ओमेगा वन, घूमती घूमती डिस्क के ऊपर जेंटली प्यार से झटका नहीं मारना, पहली डिस्क को पता भी ना लगे कि आपने इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी है ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू, तो आपको बताना है कि अब इसका घूमने का ओमेगा क्या होगा, जेंटली इसलिए झटका मार दिया तो टॉर्क अप्लाई हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो जेंटली प्लेस लिखा होगा, तो जब आपने डिस्क को नहीं रखा था तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई वन ओमेगा, जब आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू इन टू ओमेगा टू, तो ओमेगा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई वन ओमेगा वन डिवाइडेड बाई आई वन प्लस आई टू इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा वो कोई ऊपर वो स्पोर्ट भी होती है, वो जंप मारते हैं गोल 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 समरसॉल्ट करके नीचे, जितना गोल गोल घूमेगा हवा में उतना ही बढ़िया उसका कंपटीशन अच्छा होगा, उसकी फिटनेस टेस्ट होती है, क्योंकि जब वो कोई भी प्लेयर अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है तो वो गोल गोल समर सॉल्ट बोलते हैं उसे ज़्यादा कर लेता है, तो गोल 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 घूम के नीचे, तो कोई बॉडी को ज़्यादा फोल्ड नहीं कर पाता, उसके राउंड्स कम होते हैं, पता लगता है कि फिटनेस ही करके आया, और जो बिल्कुल भी जो पहली बार उतरेगा वो कहाँ से फोल्ड कर लेगा, वो तो सीधा जंप ही मारेगा, उसका तो एक भी गोल होना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, जब कोई बॉडी को फैला के घेरता है तो देखो एक्सिस बीच में से पास हो रहा है, अब हो क्या रहा है, बॉडी को फैला लेगा तो एक्सिस से पार्टिकल दूर चले जाएंगे तो आय बढ़ जाएगा, अब कोई जाके हवा में तो उसको गोल गोल घुमा नहीं रहा, अपने आप एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो आय इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो सोचो अगर कोई बॉडी फैला के नीचे गिरेगा तो अपने आय को क्या कर रहा है, ज़्यादा, उसका ओमेगा क्या होगा, कम, वो गोल नहीं घूम पाएगा, लेकिन अगर कोई बॉडी को बुरी तरह फोल्ड कर लेगा, फोल्ड करने का मतलब एक्सिस के पास पार्टिकल को ले आएगा अपनी बॉडी के, उससे आई क्या हो जाएगा, कम, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, कोई जितना फोल्ड करेगा गोल 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 उतने घूमता हुआ नीचे आएगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। स्काई डाइविंग में बॉडी को फोल्ड नहीं कर लेते, वो गोल 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 घूमना शुरू कर देगा हवा में, बॉडी को फैला के नीचे गिरते हैं, क्योंकि बॉडी को फैला लेगा तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा। सिर्फ इंसान नहीं, बिल्लियों को डॉग्स को भी एंगुलर मोमेंटम पता है, जब बिल्ली जंप करती है आपने देखा भी होगा, कार्टून में बहुत दिखाते हैं, असली में भी
बिल्ली जब जंप करती है तो ऐसे हाथ फैला के ऊपर को जंप, बहुत लंबी जंप मारनी है उसको, तो आपको ऐसे देखेगा हाथ फैला के, वो क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर उसने बॉडी फोल्ड कर ली तो फिर गोल गोल करके घूमेगी, फिर पता नहीं कहाँ जाके गिरेगी। तो अगर बॉडी को ऐसे फैला लेगी तो आई को बढ़ा लेगी, ओमेगा उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर आइस स्केटर्स सुने होंगे, वो बर्फ पे स्केट करते हैं तो गोल गोल बहुत तेज 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 घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं? अपनी बॉडी को, एक टांग को भी फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल बॉडी को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फिर अपने एक्सिस पे घूमना शुरू कर देते हैं। और जब अगर वो रुकना होगा तो बॉडी को एकदम एक टांग पे ऐसे कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो वो लंबे राउंड में अपने आपको ब्रेक लगाते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि बॉडी को फोल्ड करने का मतलब आई का कम होना, आई कम होना ओमेगा ज्यादा होना, तो बॉडी को खोलना आई बढ़ना ओमेगा कम हो जाना, ठीक है यहाँ तक। एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म घूम रहा था फिर ओमेगा, इसने घुमा के छोड़ दिया, फ्रिक्शनलेस है, ओमेगा घूमे जा रहा है। और मान लो मैं उस पर खड़ा था, एक डंबल्स लेके बड़े बड़े ऐसे लेके खड़ा हूँ, डंबल बहुत भारी है, तो एक्सिस बीच में से पास कर रहा है और मैं रोटेट कर रहा हूँ गोल गोल विद ओमेगा। मैंने डंबल्स को यहाँ ले आया मैं, अब मैंने आई को क्या कर लिया कम, तो प्लेटफॉर्म की स्पीड बढ़ जाएगी, ओमेगा बढ़ जाएगा। तो मैं ऐसे खोलूंगा प्लेटफॉर्म स्लो हो जाएगा, बंद करूंगा ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, आई कम होगा ओमेगा बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, कि कहाँ कहाँ लग रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये हो गया, ये बाद में करना है हमने, अभी तक थ्योरी में इतना सफिशिएंट।